Hey guys, welcome or welcome back to another video of my channel. So आज का video is Sanfe haul plus review kind of video. Sanfe के products I have been hearing on Instagram since a long time. So I thought चलो let's just give it a try कि Sanfe के products कैसे आते हैं. मैंने कुछ products Nykaa से order किए हैं. I have used them and आज मैं आप लोगों के साथ उन products का review share करने वाली हूँ. So without any further ado, let's just jump into the video. So before starting, let me just tell you something about the brand Sanfe. So Sanfe started up with women health and hygiene products and slowly and gradually इन्होंने अपने products range को और increase किया from skincare to hair care as well. Starting up with the very first product is the Sanfe Glide Face Razors for painless hair removal. So ये इनके razors हैं and I guess face razors का जो concept है मैंने Instagram पे इसी ब्रांड से ही सुना था. मोस्टली फेस रेजर्स पहले इतना हाइप क्रिएटेड नहीं था. जब से इस ब्रांड ने ये फेस रेजर्स इंट्रोड्यूस किए तब से मार्केट में और भी ब्रांड्स ने फेस रेजर्स इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए. सो ये एक 5-in-1 रेजर है जो आप आईब्रोज पे, अपर लिप्स, पीच पर्स, चिन हेयर एंड बिकली लाइन में यूज़ कर सकते हैं. व्हेन यू ओपन दिस क्लैप कैप तब आपको ब्लेड देखने को मिलता है एंड यू कैन सी बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपको कोई कट लगेगा या फिर कुछ, और बहुत ही आसानी से आप हेयर रिमूव कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो ये एक बहुत ही पेनलेस तरीका है अपने हेयर रिमूवल करने का. ऑल्सो ये रेज़र आप आईब्रोज एंड फेस फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन है ताकि आपके फेस पे कोई कट ना हो, आईब्रोज पे कोई कट ना हो. सो नाउ मूविंग टू माई सेकेंड परचेज इज Sanfe फेस लश वॉश वाइटामिन सी एंड AHA. सो यू गाइज नो वेरी वेल कि विटामिन सी मेरा बहुत ही फेवरेट इंग्रेडिएंट है. चाहे किसी भी स्किन केयर की बात हो, स्किन केयर प्रोडक्ट की बात हो, विटामिन सी आपको अपने स्किन केयर में ज़रूर ऐड करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके फेस को काफ़ी अच्छे हद तक ब्राइटन करता है. सो ये फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ सिंस लास्ट 1 week एंड इट्स showing really nice effect on my face. मैं जितने भी vitamin C products use करती हूँ मेरे face को वो suit करते हैं cause और कोई भी ingredient ऐसा ingredient नहीं है cause I have a really sensitive acne prone skin. तो बहुत ही कम products ऐसे हैं जो मेरे skin को suit करते हैं and this product has suited my skin and has shown some really nice results. जो मेरा T-zone area है वो बहुत ज़्यादा oily है but I'm using this face wash, मेरा जितना भी oil secretion होता था वो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट थोड़ा हद तक क्या हुआ है कि कम हो गया है. मेरा फेस ड्राई भी नहीं रहता है, एट द सेम टाइम ऑयली भी फील नहीं होता है एंड दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट. तो कोई भी स्किन टाइप हो आपका आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल डेफिनेटली, चाहे आप सेंसिटिव स्किन के ही क्यों ना हो या फिर एक्ने प्रोन स्किन क्यों ना हो आपकी, आपको डेफिनेटली ये सूट करने वाला है बिकॉज आई हैव अ हाईली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन. अगर मुझे ये प्रोडक्ट सूट कर गया है तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू सूट योर स्किन एज वेल. Now moving to my next purchase is the Sanfe Face Serum Shots Vitamin C plus AG1%. So once again a vitamin C product cause I just love using vitamin C in my skincare range. So Sanfe का मेरे को vitamin C, vitamin C serums मैं mostly brands के try करती रहती हूँ cause mostly मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी vitamin C serums है they give you really nice effect on your face and your skin. लेकिन मुझे हर ब्रांड का ट्राई करना होता है सो मैंने Sanfe का भी मंगवाया है. टॉकिंग अबाउट द सीरम, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. इसका कंसिस्टेंसी इज़ क्वाइट वाटरी. बाकी अगर कलर की बात करें तो इट हैज़ अ येलो कलर. बाकी जैसे मैंने और ब्रांड्स के जो फेस विटामिन सी सीरम्स जो यूज़ किए हैं दे आर मोस्टली वाटर कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं या फिर ऑफ वाइट कलर के होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांड जिसका विटामिन सी सीरम इज़ ऑफ ऑरेंजिश येलोइश कलर. बाकी इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी फील हुआ. सो आई थॉट कि गलत प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर लिया बट देन स्लोली जैसे ही वो प्रोडक्ट मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हुआ व्हाट हैपेंड इज मेरा फेस एकदम से मॉइस्चराइज भी हो गया, एट द सेम टाइम बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहा एंड ऑयल जो था जितना भी ऑयल था वो रिड्यूस हो गया. टू माई नेक्स्ट परचेज इज़ अ हेयर केयर प्रोडक्ट. तो मैंने आपको बताया था मैंने इनकी रेंज में से ऑलमोस्ट जितने भी स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया,
सारे ही रेंज में से एक एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था. सो फ्रॉम द हेयर केयर रेंज मैंने ऑर्डर किया है सैनफे हेयर माइस्ट्रो सीरम विच कंट्रोल्स हेयर फॉल एंड स्ट्रेंथेंस लॉक्स एंड डैंड्रफ में भी ये हेल्प करेगा. सो दिस इज़ अ हेयर सीरम जो आपको हेयर वॉश करने के बाद जब आपके बाल गीले हों तब अप्लाई करना है. इसको लीव ऑन करना है एंड जस्ट अपने बालों को सुखा लेना है विद अ ड्रायर और जैसे नॉर्मली आप बालों को सुखाते हैं. टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट सेम जैसे मैंने विटामिन सी का जो फेस सीरम है वो जब यूज़ किया हाथ पे लिया तो बहुत ज़्यादा ये सीरम भी स्टिकी फील हुआ. आई थॉट कहीं ये मेरे बालों पे लगने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली और स्टिकी ना कर दे बिकॉज गर्मियाँ हैं सो बालों में ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है. सो आई वॉज जस्ट हैविंग दिस थिंग बट स्टिल मैंने इसको ट्राई किया. हेयर वॉश करने के बाद वेट हेयर में आई अप्लाइड दिस हेयर सीरम एंड देन नॉर्मली अपने बालों को सुखा लिया. जैसे ही आपके बाल सूख जाते हैं इट गिव्स अ रियली नाइस नरिशमेंट टू योर हेयर. ऑल्सो आपके बाल साथ ही साथ एक शाइन आपके बालों में ऐड करता है. आपके बाल ऑयली नहीं लगने वाले हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू आई गेस. एंड आई गेस मैंने आपको एक क्लियर आइडिया दे दिया है कि आर दिस प्रोडक्ट वर्थ इट और नॉट. दे आर रियली अफोर्डेबल एंड दे शो रियली नाइस रिजल्ट्स. आई विल नॉट से कि एकदम सडन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख जाएगा. लेट्स जस्ट एंड द वीडियो. आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो. मैंने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी. आप वहाँ से जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. आई मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.